नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हो गया, भगवान का नाम लेने पर भी जीएसटी लगाया क्या? जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा मुझे सुनाई कम देता है, जोर से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता यथा रूप से अध्याय संख्या, अध्याय क्रमांक है 17 और श्लोक संख्या 17। यहाँ बोर्ड के ऊपर श्लोक लिखा है, संस्कृत में है, फिर भी हम बोलने का प्रयास करेंगे। जोर से बोलने का अपना पहला विधि है, जोर से भगवान का नाम और श्लोक उच्चारण करने का, ठीक है? अगर दिन भर में प्रसाद भी नहीं लिया तो चिंता मत करो, बाहर जाते जाते आपको मिलेगा, ठीक है? श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरै अफलंकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षति श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षति श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षति। श्रद्धया परया तप्तम श्रद्धया युक्तैर सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तम तपस्ता त्रिविधं वरे अपर्यासाक्षी युक्तै सात्विकं परिचक्षते श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधं परे अफलाकांक्षिभिर्युक्तैर सात्विकं परिचक्षते। शब्दार्थ मेरे पीछे दोहराइएगा, श्रद्धया श्रद्धा समेत परया दिव्य तप्तम किया गया तपः तप तत् वह त्रिविधम तीन प्रकार के नरहि मनुष्यों द्वारा अफलाकांक्ष भी फल की इच्छा न रखने वाले युक्त ही प्रवृत्त सात्विकम सतोगुण में
परिचक्षते कहा जाता है। अनुवाद जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश कहते हुए कह रहे हैं। लोग दान देते ना अलग अलग प्रकार के, तो वो दान भी सत्वगुण मतलब अच्छा दान रहता है, रजोगुण मतलब दोनों का मिक्स रहता है, और तमोगुण मतलब बुरा दान भी होता है। दान देना भी अच्छा होता है बुरा होता है, देखिए कैसा है। अच्छा दान कौन सा है सुनिए। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यह तपस्या के बारे में, दान अलग है, तपस्या अलग अलग प्रकार के लोग उपवास करते हैं ना, हमारे जंतर मंतर के भूख हड़ताल से लेकर के निर्जला एकादशी तक का उपवास, अलग अलग प्रकार के तपस्याएं है, उसके बारे में भगवान चर्चा कर रहे। उसके आगे वाले श्लोक में भगवान कहते हैं, सत्कर्मान पूजार्थम तपो दम्भेन चैव यत् क्रियते तदीह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो तपस्या दम्भ पूर्वक तथा सम्मान एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न शाश्वत। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उससे उनको उनसे सत्कार सम्मान तथा पूजा मिल सके। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं। इनके फल क्षणिक होते हैं, वे कुछ समय तक रहते हैं, वे कभी स्थायी नहीं होते। हाथ जोड़िए सब लोग, बोलिए मेरे पीछे, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरून उन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा। दोनों हाथ ऊपर करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो मंदिर सभागृह में उपस्थित सारे श्रद्धालुओं का हम इस्कॉन संस्था की ओर से, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की ओर से, आज के सायंकालीन भगवद गीता चर्चा सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो अगला जो हम 25 मिनट चर्चा करने वाले भगवान के बारे में, ऐसा हम मान के जाते हैं कि आपके जीवन का एक आमूलाग्र बदल होगा या जीवन का एक महत्वपूर्ण समय रहेगा, क्योंकि भगवान के बारे में चर्चा करने से, भगवान के लीलाओं के बारे में, भगवद गीता के बारे में ज्ञान ग्रहण करने से हमारी तीन चीजें नष्ट होती है, शोक मोह और भय। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में कहा है, यस्याम वैश्रूयमानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह।
भगवान कृष्ण के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में श्रवण करने से हैं शोक, मोह और भय, ये तीनों दुख हमारे जीवन से नष्ट होते हैं। हमारा मन जो है ना एक पंछी की तरह है, पंछी होता है ना दो पंखों पर उड़ते हैं, हम लोग गाना भी गाते हैं कई बार, पंछी बनो उड़ के फिरो, बराबर मस्त गगन में, लेकिन वो होता नहीं है, ये केवल कविता है, लेकिन वास्तविक रूप से तो हम बंधे हुए हैं, बराबर। तो ये दो पंख क्या है, एक भूत और भविष्य। हमारा जो भूतकाल है उसके बारे में हम शोक करते रहते हैं, ऐसा क्यों किया मैंने, वैसा क्यों किया मैंने, शायद मैं इंजीनियरिंग के बजाय डॉक्टर साइड में जाता तो और अच्छा होता था, शायद मैं डॉक्टर साइड छोड़ करके मेडिकल साइड छोड़ के इंजीनियर बनता तो और अच्छा होता, अमेरिका जाना मिलता था, इसके साथ शादी क्यों किया मैंने, उसके साथ करना करते तो अच्छा होता था, बराबर। शोक करते बैठते हम बार बार, ये गलती मैंने किया नहीं तो बिजनेस में मेरे को ऐसे ही जैकपॉट लगता था, अब ये नोटबंदी में मेरा बहुत फायदा हो जाता था, डिमोनेटाइजेशन में, बराबर। शोक करते बैठते हम भूतकाल के लिए और भविष्यकाल के बारे में हम नियोजन करते, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, फिर ये हो जाएगा, फिर मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अरबपति बन जाऊंगा, खरबपति बन जाऊंगा, ऐसे नियोजन चलते रहते, नहीं तो ऐसे करूंगा, ऐसे पटाऊंगा कि मेरा शादी हो ही जाएगी, ये नियोजन करते हैं। तो हमारा मन का पंछी ऐसे घूमते रहता है हवा में, और मोह जो रहता है ना शोक भूतकाल के लिए, और जो भय रहता है वो भविष्य काल के लिए रहता है, क्या होगा, कैसे होगा, वो झूठ तो नहीं बोलेंगे, वो बदमाशी तो नहीं करेंगे, वो बेवफाई तो नहीं करेंगे, ईमानदार रहेंगे ना, बिजनेस में हो या रिश्ते संबंध में हो, ऐसा भय रहता है भविष्य के बारे में, भूत के बारे में शोक रहता है, और वर्तमान के बारे में मोह रहता है, आज कौन से थिएटर में जाएं, कौन से मॉल में जाएं, किधर डिस्काउंट मिल रहा है, डी मार्ट में मिल रहा है या इधर मिल रहा है या उधर मिल रहा है, क्या खाऊं, कौन से रेस्टोरेंट में जाऊं, क्या कपड़े पहनूं, कैसे दिखूं मैं सुंदर, या कितना मैं प्रभावशाली बनूं, या मैं कौन सा साबुन लगाऊं ताकि मैं अच्छा दिखूं, कौन सा टूथपेस्ट उपयोग करूं ताकि मेरा इम्प्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। आपने देखा है टीवी पे विज्ञापन आता है, उसने ये टूथपेस्ट वापर, उसने ये टूथपेस्ट यूज़ किया इसलिए उसका सिलेक्शन नौकरी में हो गया, उसने वो ये साबुन लगाया करके वो सबसे बड़ा हीरो बन गया। अभी ऐसा होता था तो लोग पढ़ाई क्यों करते थे, साबुन ही लगाते बैठते थे ना दिन भर। तो मोह, शोक, मोह और भय, ये तीनों चीजें अखिल प्राणी मात्रों को, खास करके अर्वाचीन मानव समाज को बहुत पीड़ित कर रहे हैं। इसीलिए कहा गया है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में, व्यासदेव जी कहते हैं, यस्यां वैश्रूयमानाय कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसाम शोक मोह भयापह। भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण करने से ये तीनों दुख दूर हो जाते हैं। शोक जो होता है, अरे ऐसा करता था, वैसा होता था, मैं और थोड़ा पढ़ाई करते थे ना 70% के बजाय मेरे को 80% मिलते थे, और मेरे को नीट में अच्छे रिजल्ट्स आते थे, मैं मेडिकल साइड में जा सकता था, बराबर। ये सारे शोक, भविष्य के बारे में जो भय है वो भी नष्ट हो जाता है, और तो और जो वर्तमान का जो मोह है, बॉलीवुड का हो या हॉलीवुड का हो या टॉलीवुड का हो, ये एक दिन हमें ऊड में जलाएंगे, याद रखो, अंतिम क्षण में लकड़ी में जलाते हैं ना, तो इसमें कुछ और मोह रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे हम भगवद गीता ग्रंथराज भागवतम में से भगवान की लीलाएं श्रवण करते हैं तो एक अंदरूनी ऐसा आनंद मिलता है हृदय के अंदर कि हमें और इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं हमें सिवाय कृष्ण के, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं हमें, केवल भगवान कृष्ण और उनके प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का मार्गदर्शन हो तो हमारे जीवन की नैया ऐसे ही पार हो जाएगी। तो आज के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, हे अर्जुन सुनो,
अभी अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार के तपस्याएं करते। वैसे देखा जाए तो इस दुनिया में केवल साधु लोग तपस्या करते, ऐसे नहीं भगवे कपड़े पहन करके हिमालय में जा करके सिर मुंडवा के या दाढ़ी बढ़ा के नीचे मुंडी पैर ऊपर करके हिमालय के गोदी में वो बर्फ में जा करके, केवल वही तपस्या हम भारतीय लोगों के मन में बसी हुई है। तपस्या तो बंबई के शहर में भी लोग कर रहे हैं, सुबह 5-5:30 बजे उठ करके वीरान फास्ट से आते ऐसा पकड़ के लटक के 2 घंटा, ठीक है, कम तपस्या है बराबर। मैं देखा खड़े खड़े लोग गुड्डे बिस्किट खाते, खड़े खड़े चिक्की खाने लगते, ये क्या कम तपस्या है? आना जा आना 2 घंटा, जाना 2 घंटा, और दिन भर क्या सोना है उधर? उधर बॉस बैठा हुआ है, दिन भर उधर काम रहता है बराबर। और पता नहीं घर में गृह मंत्री कैसे है, होम मिनिस्टर कैसे है, वो भी कभी कभी पकवाने लगते हैं। तो ये तपस्या कुछ कम नहीं है। आप देख लो ये गृहस्थ का जीवन बताया, और यही तपस्या महिलाओं के बारे में भी लगती है, क्योंकि उनको दोनों को समान अधिकार चाहिए, उनको भी उतना ही जॉब करना पड़ता है, उतना ही ट्रेवलिंग करना पड़ता है, और तो और महिलाओं को ज्यादा तपस्या है, बच्चे भी रहते। आप एक विद्यार्थी का जीवन ले लो, बेचारे को जबरदस्ती उम्र के 5 साल से, मेरे ख्याल से अभी छोटे उम्र में 2.5 साल में भेज रहे ना, नर्सरी फिर LKG HKG UKG, अभी किलोग्राम पे बच्चे लोग अभी ये लेते हैं, स्कूल में लेते हैं ना, KG वजन करके लेते हैं क्या? नहीं, फिर KG क्यों? किंडरगार्टन। तो उधर से उसके जाने की इच्छा नहीं होती स्कूल में, तब से लेकर के मार पीट करके उसको स्कूल में भेजा जाता है, जबरदस्ती जबरन भेजा जाता है। मेरे को ऐसा एक नमूना विद्यार्थी दिखाओ कि जो बड़े उत्साह से स्कूल में गया है, माँ मैं आज स्कूल में जाने वाला हूँ, मेरा टिफिन तैयार करो। बहुत विरला ही रहेगा वो, लेकिन मुझे नहीं लगता वो विरला भी नहीं रहेगा। ऐसा 15 साल करना पड़ता है। जय श्री श्री राधा राज बिहारी सीताराम लक्ष्मण हनुमान गौरनिता शिल प्रभुपाद की। ऐसा जबरन पढ़ाई 15 साल लगभग करना पड़ता है, आजकल ज्यादा ही करना पड़ता है। मैंने कल ही मैंने एक बहुत बड़े IAS ऑफिसर को पूछा, क्यों क्या हो गया साहब आप मंदिर नहीं आ रहे? महाराज जी मैं क्या करूं, मेरी बेटी अभी अभी MBBS पास हुई है। फिर मैंने पूछा साहब आप एग्जाम देने गए थे क्या? नहीं नहीं मेरे को उसको लेके जाना आना, उसको मेंटली सब फिट रखना पड़ता है। बोले फिर अभी क्या प्रॉब्लम है? क्या बोलो, इतना तपस्या है महाराज, अभी वो MD करने वाले, और MD के लिए CET होता है बराबर, मेडिकल MD के लिए CET, वो अभी कर रहे मेरी बेटी, फिर उसके बाद में मंदिर आऊंगा। तो मेरे को लगा हम लोगों से ज्यादा तपस्या वही लोग कर रहे हैं, ये विद्यार्थी लोग। कितना स्टडी करना पड़ता है 10वीं 12वीं में, कितना स्टडी करना पड़ता है, कितना अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद अगर MBBS में गए या IIT में जाना हो, कोई है IIT से इधर? एक दिव्य संस्था है ये। एक दिव्य संस्था है। तो कितना कुछ मगजमारी करना पड़ता है। तो बिना तपस्या के इस दुनिया में कुछ मिलता ही नहीं है, भौतिक सुख भी नहीं मिलता, आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, भौतिक सुख भी नहीं मिलता। पहले तो लोग ऐसे 4 घंटा काम करते थे, बाद में 8 घंटे काम का ड्यूटी आया, अभी 12 घंटा, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गए, देखो कितना घंटा काम करते हो, नाम के वास्ते मोबाइल और लैपटॉप कंपनी देते है, घर में गया सैटरडे संडे भी काम करवा के लेते बराबर। ये बहुत अलग मानसिकता है, इतना तपस्या करवा के लेते हैं कि लगता है 40-50 हज़ार 100 लाख 1 लाख या 1.5 लाख पगार ज़्यादा लगता है, हमारा 1.5 गुना हो गया, डबल हो गया, लेकिन काम तो गधे से भी ज़्यादा करवाते हैं। देखो आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पूछो, क्या वो सुखी है? कोई एक प्रोजेक्ट आ जाए तो बेचारे को खाने को नहीं मिलता, जितना पैसा कमाने के लिए लगा रहे ना, बड़े खड़े खड़े वड़ा पाव खा रहे लोग, जम्बो जम्बो भी हो लेकिन फिर भी वड़ा पाव है वो। तो ये तपस्या ज़्यादा है, लेकिन भगवत गीता के आज के श्लोक के अनुसार ये तमोगुणी तपस्या है। और रजोगुणी तपस्या भी क्या होती है, आएंगे ये लो महाराज जी ये दान ले लो और मेरा नाम छपो,
मेरा नाम ये फर्श के ऊपर लगाओ, दीवार के ऊपर लगाओ, बैनर के ऊपर लगाओ, इधर लगाओ, उधर लगाओ, आप सब जगह बोलो कि ये जो व्यक्ति है श्रीमान राजेश या श्रीमान शेट्टी, श्रीमान ये, उसने इतना 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 दिया और मैं इसका पुत्र हूँ और मेरा पुत्र ये है और मेरी बीबी ये है, मेरी अर्धांगिनी ये है और इनके इसने ये किया और ये नाम इनग्रेव्ड रहना चाहिए, मतलब दीवार के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहिए। इसको रजोगुनी तपस्या बोलते हैं या रजोगुनी दान भी बोलते हैं। तो दूसरे लोग आकर मेरी पूजा करे, सम्मान करे, महाराज जी कितने सम्मानित है देखो, महाराज जी कितने तपस्वी है देखो, बाबा जी हमारे हिमालय में जाके आए हैं, ऐसा चुटकी से लेकर के सोना निकालते हैं, ऐसा लोग बोले करके मैं कुछ उपवास रखूं 21 दिन के लिए, एक साल के लिए, तो ये रजोगुनी तपस्या है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य के अनुसार तो देखा जाए तो लोगों का आकर्षण बढ़ाने के लिए लोग तपस्या करते हैं। अभी इसका एक बहुत ही क्रूड एग्जाम्पल, मतलब क्या स्थूल उदाहरण में देता हूं, ये भारतीय राजकारण में आया है स्वातंत्र संग्राम से। हमारे बड़े बड़े नेतागण, जो भी कुछ लोग अहिंसा के पुजारी थे, कुछ लोग हिंसा के भी पुजारी थे और अभी भी लोग है कुछ उनके अनुयायी कहने वाले, कुछ भी हो गया भूख हड़ताल, शासन के खिलाफ सरकार के खिलाफ कुछ करना है तो भूख हड़ताल, कुछ भी करना है तो भूख हड़ताल, उससे क्या होता है आत्मक्लेश होता है बराबर, और उससे क्या होता है सबसे बड़े 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 ऐसे कैमरे आते हैं सबके सामने और पूरी दुनिया में चमक जाता है वो। अभी रात को क्या करता है घर में जाके किसी को मालूम नहीं, क्या खाता है क्या पीता है वो मालूम नहीं, हाँ किसी को मालूम है क्या, वो जब ग्राउंड में आके बैठेगा तब तक दिन भर नहीं खाता, बस इतना ही बात है, लेकिन बाद में क्या होता है दूसरे लोग कैमरे लोग आए, सब टीवी चैनल मेरा कार्यक्रम प्राइम शो में दिखाए, कैसे मैं ये जो देशभक्त है कितना तपस्या कर रहा है देखो, भारत की जनता के लिए, देश की जनता के लिए मैं अपनी आजादी पाकर रहूंगा, जनता को मैं सुखी बना के रहूंगा, इसके लिए भूख हड़ताल करूंगा, तो ये रजोगुनी और तमोगुनी हड़ताल है भगवद गीता के अनुसार, ये तपस्या हमें नरक लेके जाएगी। अरे तपस्या करना है तो भगवान के लिए करो, वैसे भी शास्त्र में लिखा है आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, किला प्रभुपाद जी बोलते हैं जो हिमालय का योगी नीचे मुंडी सिर और क्या पैर ऊपर करके सर्दी के मौसम में गंगा जी में भी रहे, उसको उतना फल नहीं मिलेगा जितना एक हरे कृष्ण भक्त रसगुल्ला खाके उसको मिलेगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अगर हम भगवान हरि राधा रास बिहारी की आराधना कर रहे हैं, मंदिर में आए हैं, तो तपस्या करने की जरूरत ही क्या है, सारे तपस्या का उद्देश्य इनके चरणों में आना, सारे तपस्या का। जो ये लोग कुंभ मेला में नंगे नंगे घूम रहे, कुछ हजार साल के हैं, कुछ 2000 साल के, कुछ 100 साल के हैं, कुछ लाख लाख साल के, एक साधु होता है उधर, उनका उम्र किसी को मालूम नहीं होता, लेकिन उनको जो फल नहीं प्राप्त होता वो एक बंबई वाले व्यक्ति को मिलेगा जो राधा रास बिहारी के चरणों में आके अपना सिर झुकाएगा। आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, न आराधितो यदि हरि तपसा तथा किम, अगर भगवान राधा रास बिहारी की आराधना ना करे तो फिर ये तपस्या का मतलब ही क्या है, फूंक दो उस तपस्या को, कुछ भी फायदा नहीं। एक साधु था 15 साल गायब हो गया गांव से भगवे कपड़े पहन के, 15 साल के बाद आया, हमारे बाबा जी महाराज अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सदगुरु अनंत शक्ति विभूषित दुधामृत स्वामी महाराज, ये अभी इतने तपस्या करने के बाद हमारे गांव में जो नदी है उसके ऊपर चल के दिखाने वाले, पानी के ऊपर आ जाओ सब लोग, ऐसा विज्ञापन लगा, सब गांव आ गया, सब गांव आ गया और सब देखने लगे कैसे परम पूज्य ये जो स्वामी जी महाराज है वो पानी के ऊपर चलने वाले हैं। तो देखा सब लोग आए ताली बजाने लगे, जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज जी की। तो एक बूढ़ा व्यक्ति था, बुद्धिमान था, बिदाम खाया था, देसी गाय का घी पिया था,
पिज्जा पास्ता वेज मंचूरियन चाइनीज नूडल नहीं खाया था। तो वो बोले अरे ये तेरी तपस्या 15 साल की तो 4 आने की है। कितना? 4 आने की है, 54 की है। क्यों? मैं 54 दिया तो नाव में बैठ के इधर से उधर जाता हूं, तू चल के गया, क्या फर्क है दोनों में? कुछ भी नहीं। तो मैं 15 साल बचा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, मैं भगवान का नाम लेकर के भगवत धाम जा सकता हूं ना। म्रियमानो हरेर्नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोपि अगद्धाम किमुता श्रद्धया गृणन। जो अजामिल अपने पुत्र का उच्चारण कर रहा था, अजामिल मालूम है आपको? अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, वो जंगल में लकड़ी लाने के लिए गया था, लेकिन लकड़ी के बजाय लड़की लेके आया घर पे, और बहुत पाप करने लगा, अपनी धर्म पत्नी को छोड़ दिया और एक दूसरे ही एक वेश्या को उसने अपने घर पे रखा, और उम्र के 88 साल के उम्र में उसके 9 साल का बच्चा था, 8-9 साल का। सोचिए आप, 88 साल का पिता और 8-9 साल का बच्चा, कितना पाप किया रहेगा उसने। तो मरते समय उसने अपने ये छोटा जो बच्चा था उसका नाम रखा था नारायण। उसने पुकारा, जब उसको यमदूत लेने आए तो उसने जोर से पुकारा नारायण नारायण, तो भगवान के विष्णुदूत उसको लेने आए। सुखदेव गोस्वामी पाद बोलते हैं कि ऐसा अजामिल भी भगवान का नाम नहीं पुकार रहा था, वो अपने पुत्र को पुकार रहा था पुत्रोपचारितम, फिर भी वो वैकुंठ चला गया। तो हम श्रद्धा से नाम लेंगे तो कहाँ शंका है हम भगवत धाम जाए या नहीं जाए, हमारा निश्चित गमन है वैकुंठ जाना। तो इसीलिए और तपस्या करने की जरूरत नहीं, आराध्य तो यदि हरि तपसा तथा किम, अगर हम भगवान राधा राजबिहारी की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या करने की जरूरत नहीं। न आराध्य तो यदि हरि तपसा तथा किम, अगर हम भगवान राधा राजबिहारी की आराधना नहीं कर रहे, कृष्ण की आराधना नहीं कर रहे, तो तपस्या का मतलब ही नहीं हो, 4 आने की तपस्या जैसी हो कुछ फायदा नहीं उसका। अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान हरि है कृष्ण है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है। अगर हम हृदय के अंदर भगवान श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे हैं तो तपस्या करने की जरूरत ही क्या है, कुछ भी जरूरत नहीं तपस्या करने की। फिर आगे जाके वापस बोलते हैं न अंतर बहिर यदि हरि तपसा तथा किम, अगर हमारे हृदय में हम भगवान श्याम सुंदर का ध्यान नहीं कर रहे सेवा नहीं कर रहे तो ऊपर से दिखावा करके मतलब ही क्या है तपस्या का, कुछ भी फायदा नहीं। ये न प्रकार है ना, ये जो तपस्या है भगवान के भक्ति के अलावा वो सब गड़बड़ है, वो सब भ्रम है, उससे केवल हमें क्लेश ही मिलेगा दुख ही मिलेगा। इसीलिए अगर मैं 16 सोमवार का व्रत धारण करूंगी तो मुझे अच्छे पति मिल जाएंगे, अगर मैं शनिवार का हनुमान जी का उपवास रखूंगा तो मुझे अच्छे पत्नी मिल जाएंगे जॉब वाली नौकरी वाली, ताकि हम दोनों मिलके जॉब करेंगे और बम्बई में एक फ्लैट लेंगे 1 BHK, बराबर। तो ये सब नियोजन करने की जरूरत नहीं है, आप भगवान के चरणों में आओ, उनको जो भी अपना दुख है सुख है भगवान को बोलो, उनके सेवा में लगो और यह हरिनाम साथ में ले लो। श्रील प्रभुपाद जी ने एक ही तपस्या बताई है, वो है हमें 16 माला जप करना है हरे कृष्ण महामंत्र का, और साथ में बहुत ही कम मात्रा में हमें कुछ नियम या बंधन दिए। क्या है? हमें किसी प्रकार का मांसाहार नहीं करना है। क्या कारण है किसी जानवर को मार के टुकड़े 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 करके हमारे पेट का कब्रस्तान बनाने की? कब्रस्तान ही बन जाता है वो, और क्या है, कब्रस्तान में तो केवल मरे हुए मुर्दे गाड़े जाते, वैसे वही तो कर रहे हैं मांसाहारी लोग, और क्या कर रहे, खाली उसको थोड़ा मसाला लगा देते, अंदर नहीं जाता वो, लुब्रिकेंट है ना वो ऑयल की तरह,
तो मांसाहार नहीं करना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाय कॉफी भी नहीं पीना है। ये अंग्रेजों ने लाया हुआ तोहफा है हमारे लिए, चाय कॉफी भी नहीं पीना है, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है। जुआ जो है, आज तक कोई भी व्यक्ति जुआ खेल के, जुआ ना, जुआ खेल के गैम्बलिंग करके कोई व्यक्ति अमीर नहीं हुआ है, कंगाली हुआ है। आप युधिष्ठिर महाराज का ही उदाहरण ले लो, महाभारत के इतना बड़ा राजसूय यज्ञ करके सम्राट बना हुआ व्यक्ति एक बार जुआ खेले पूरा हार गए, पूरा वनवासी बन गए। यही सिखाने के लिए भगवान ने उसे जुआ खेलवाया था, देखो। और व्यभिचार नहीं करना है, मतलब विवाह के बाहर जो संबंध है हमें वो रखना नहीं है, स्त्री पुरुष, केवल अपनी पत्नी हो या पति हो उनके साथ ही। इतना ही तपस्या हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है, और ये भी बहुत आसान हो जाता है। जैसे ही हम भगवान के भक्तों के संग में आते हैं तो ये बहुत आसान बन जाता है। अभी कैसा है, समझो मैं हफ्ते में एक दिन शनिवार या रविवार को थोड़ा सेंट लगाऊं, और हफ्ता भर किधर भी गटर में घूमो, इधर घूमो उधर घूमो, तो गंदगी आएगा, सेंट आएगा। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा हमें गटर से दूर रह के सेंट के साथ रहना चाहिए, सेंटली पर्सन लाइक प्रभुपाद, एक साधु के संग में रहना चाहिए, उनके मार्गदर्शन में रहना चाहिए, उनके प्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, भक्तों के संग में आना चाहिए। ये सेंटली लोग है, ये सेंट लगाओ, ताकि दुनिया की जो बू है ना स्वार्थ की, लोग निस्वार्थ का आव दिखा के, आप दिखा के स्वार्थी कार्य करते रहते, उससे हम बच जाएंगे। नहीं तो कोई भी बोल सकता है कि मैं मंदिर में आता हूं, मैं सुखी क्यों नहीं हूं, लेकिन भैया करते क्या वो हफ्ता भर आप, वो भी पूछना चाहिए। तो इसीलिए हमें तपस्या जो करनी है वो केवल इतनी ही करनी है कि चार नियम का पालन करना है, मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और उसके साथ साथ हरे कृष्ण जो महामंत्र है, मेरे साथ बोलिए सब लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। मेरे को एक शंका आ रही है, अभी अभी जो प्रधानमंत्री ने GST लागू किया उसमें कुछ नियम लगाया क्या हरिनाम के ऊपर, गाएंगे तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा 28%? जोर से बोलो ना, क्यों डर रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।